और बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। बाबा बागेश्वर यूं तो दुनिया को ज्ञान देते ही हैं, लेकिन इस बार उन्हें खुद ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अपने अज्ञातवास के दौरान बाबा ने जीवन सूत्र सीखा है। वो जीवन सूत्र है क्या, आइए जानते हैं। अज्ञातवास में अद्भुत ज्ञान, गाली नहीं ताली पर ध्यान, बाबा को मिला जीवन सार, अब पुस्तक का इंतजार। जब ताली बजती है तो गाली अवश्य, गाली पर ध्यान न देकर गाली को सुनना है। बाबा अज्ञातवास से लौट आए हैं, जैसे इनके दिव्य दरबार से भक्त ज्ञान का पाठ पढ़कर जाते हैं, उसी तरह बाबा अज्ञातवास से जीवन सूत्र सीख कर आए हैं। जब तालियां बजती हैं तो गालियां भी मिलती हैं, तो अपना ध्यान गालियों पर ना देकर तालियों पर देना चाहिए। बाबा के लिए ये जीवन सूत्र महत्वपूर्ण भी है। इनके भक्त लाखों में हैं, लेकिन विरोधियों की संख्या भी कम नहीं, जो इन्हें भला बुरा कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अपने बयानों की वजह से भी बाबा अक्सर निशाने पर रहते हैं, ऐसे में तालियों और गालियों वाला ये ज्ञान बाबा के लिए बिल्कुल फिट है। जब ताली बजती है तो गाली अवश्य, गाली पर ध्यान ना देकर गाली को सुनना है। बाबा यानी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के अज्ञातवास के बाद लौट आए हैं। इस दौरान बाबा ने न सिर्फ जीवन सूत्र सीखा, बल्कि छोटे बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए पुस्तक लिखने का काम भी पूरा किया। बाबा ने अपने आगे का कार्यक्रम भी बताया। राजगढ़ में श्री हनुमत चरित्र करने की बात कही और बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने की जानकारी भी दी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। 5 दिन की यात्रा हमारी अद्भुत रही। पुस्तक का लेखन जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को सनातन से संबंधित, सनातन धर्म क्या है, इस पर जो पुस्तक का लेखन का बालाजी की कृपा, महापुरुषों के आशीर्वाद से वो कार्य निर्विघ्न होगा। अब हम यहाँ से यात्रा बागेश्वर धाम की करेंगे, बालाजी के चरणों की करेंगे, इसके बाद राजगढ़ मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय हनुमंत चरित्र करेंगे, तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव 1 जुलाई से 5 जुलाई तक बागेश्वर धाम पर मनाएंगे। आप सबको यही बताना था, हम आए भी साकुशल, यह यात्रा भी साकुशल कर रहे हैं। बालाजी के लिहाज से अब हमने गंगोला से बागेश्वर धाम के लिए खतरा हो। तो बाबा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, अज्ञातवास में अद्भुत ज्ञान भी प्राप्त किया है, बाबा के शब्दों में कहें तो जीवन सूत्र सीखा है। जैसे इनका प्रवचन भक्तों के काम आता है, ये जीवन सूत्र बाबा के काम आएगा। नरेंद्र परमार, News 18, छतरपुर।